नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पीएमसी फिनकॉर्प शेयर में लगा अपर सर्किट। क्या स्टॉक में क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है पीएमसी फिनकॉर्प, और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से बड़े टारगेट के लिए आपको स्टॉक पे इंतजार करना चाहिए। थोड़ा स्टॉक के बारे में आपको बता दूं, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 34 पैसे के आसपास चल के ऑलमोस्ट 2-3 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया और करेंटली अभी बिलो 2 रुपए ट्रेड कर रहा है। और लकीली स्टॉक हमने भी 50 पैसे के आसपास और 30 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था, एक जस्ट आपको शेयर करने के लिए कि पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपए में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, ठीक है। और अभी करेंटली स्टॉक 1 रुपए 30 पैसे और 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जानने का प्रयास करते हैं फुल स्टोरी कि आपको अक्टूबर महीने में स्टॉक पे क्या करना चाहिए अगर आपने स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड शेयर की लेटेस्ट न्यूज मार्केट में क्या चल रही है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ क्लिक करूंगा नोटिफिकेशन टैब में, तो आपको यहाँ सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है और स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं कि आज इंटरडे में स्टॉक में कैसा कामकाज हुआ है। तो आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूं, ऑलमोस्ट 6,80,000 क्वांटिटी 6,80,000 क्वांटिटी इंटर डे में ट्रेड की गई थी और सभी की सभी क्वांटिटी घर लेके गए, मतलब 100% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिलता है इस पैनी स्टॉक में, जो मात्र 1 रुपए कितने रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा, 1 रुपए 70 पैसे के आसपास, और स्टॉक में आज 4% की बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है। और जैसे आपको पता है, आज जो मोस्टली स्टॉक्स थे निफ्टी के, मतलब निफ्टी इंडेक्स में बड़ी तेजी थी, तो आप पूछ सकते हो क्या ये कारण था स्टॉक में तेजी होने का। इसके लिए लेके चलता हूँ स्टॉक के चार्ट पैटर्न की तरफ, वहां से शायद आपको क्या पता कुछ देखने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, ठीक है। और आप देख सकते हो, वो चीजें बात करने से पहले एक बार देख लो कंपनी के बारे में, जिनको नहीं पता है, जो नए जुड़े हैं चैनल में, ठीक है। ये स्टॉक देखो 30 पैसे का लो था और हाई लगाया है 3 रुपए 39 पैसे, और हमने स्टॉक आपको यही सजेस्ट किया था। बाकी आप देख सकते हो स्टॉक की जो बुक वैल्यू 1 रुपए 41 पैसे है और आरओसी पॉजिटिव है 3% के आसपास। नीचे लेके चलता हूं, तो आप पहले कंपनी के बारे में देख लो, एक एनबीएफसी कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या एनबीएफसी कंपनी आप हो सकते हो, जैसे आपका बजाज फाइनेंस है, सिमिलर काइंड ऑफ उसका बिजनेस है लेकिन छोटे रूप में है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बुक से काफी सस्ते में ट्रेड कर रही थी कंपनी, आपको लगातार प्रॉफिट दे रही है लेकिन आपको डिविडेंड नहीं पे कर रही। नीचे लेके चलता हूँ, कंपनी के सेल्स देखो 81 लाख के आसपास की सेल्स है, ठीक है, 91 लाख के आसपास की सेल्स है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो देखो इस बार कंपनी ने 46 लाख का प्रॉफिट दिया, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, उससे पहले कंपनी को 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो आप बोल सकते हो कंपनी के Q2 अर्निंग्स बहुत जल्द रिवील होने वाले हैं, तो आप Q2 अर्निंग्स को भी ध्यान में रख सकते हो। जब भी इसका अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या आप मुझे अपडेट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, जो है वीआर स्टॉक्स करके, कि सर इसके Q2 अर्निंग्स आ चुके हैं, ठीक। ईयरली की बात करता हूँ, कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, लगातार कंपनी आपको नेट प्रॉफिट में एक क्लोजिंग जो बुक कर रही है वो पॉजिटिव कर रही है, ठीक है। करंट टीटीएम में कंपनी का प्रॉफिट 1.77 करोड़ हो चुका है, जो लास्ट ईयर 1.82 करोड़ था, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी का डेट लगातार कम हो रहा है, देख सकते हो 6 करोड़ का डेट आ चुका है, जो पहले 21 करोड़ का हुआ करता था। तो मतलब कंपनी में इंप्रूवमेंट के साइन नजर आ रहे हैं। बात करता हूँ कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो है। बात करो शेयरहोल्डर पैटर्न, तो देखो 20% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा, मतलब जो होल्डिंग जब स्टॉक 30 पैसे के आसपास था तब भी प्रमोटर्स की होल्डिंग यही थी, और आज की डेट देखो सेम होल्डिंग है, इसका मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग में नो चेंज हमें देखने को मिलता है। पब्लिक का आप देख सकते हो 79% के आसपास का स्टेक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में, कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न हमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। तो देखो, मैंने पीएमसी फिनकॉर्प का लेटेस्ट चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, और आपको याद होगा लगातार मैंने आपको अपडेट दिया स्टॉक के बारे में कि स्टॉक को बाय कब नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था सिंपल सा मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल सा मूविंग एवरेज की मदद से मैंने आपको यह बतलाया था कि आपको स्टॉक में कब बाय नहीं करना है और कब बाय करना है, उसका तरीका था। उसके लिए लेके चलता हूं सीधा हमारे इंडिकेटर की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको कन्वर्ट कर दिया हाई के निशी में, आप देख सकते हो यहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगा इसमें मूविंग एवरेज,
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको जो अप्लाई करना है मूविंग एवरेज वो है 34 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है। फील्ड आपका क्लोज रहेगा, टाइप आपका सिंपल रहेगा और आपको डन कर देना है। और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे चार्ट में तो आपको दिखेगा मैजिक, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैजिक कैसा होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। और बेसिक बता दूं जिसको बेसिक नहीं पता है, बेसिक ऑफ मूविंग एवरेज क्या करना होता है, जब भी स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आप स्टॉक को क्या करोगे, बाय करोगे, ठीक है। आप बाय करोगे जब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस प्राइस, ठीक है। और आप सेल कब करोगे, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है आप सेल करोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अभी देखो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे है, बेसिक बताओ मुझे यहाँ पर देख के। आप बोलोगे सर ये तो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो स्टॉक को हमें यहाँ पर सेल करना है ना कि एक्युमुलेट करना है। समझ आया ना भाई, आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है अभी, आपको सेल ही करना है, मतलब एक्युमुलेट नहीं करना है। अब आता क्वेश्चन सर एक्युमुलेट कब करें, बहुत सिंपल है दोस्त, जब ये स्टॉक दोबारा से इसी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा एक हरी कैंडल, देखो जैसे ये हुई थी। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जैसे मैं पास में आपको बोलता हूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर की जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसी होती है, कम से कम दो हरे कैंडल क्लोज करे और दोनों हरे कैंडल का हाई ब्रेक हो, या तो वो सिस्टम अप्लाई करो या फिर इसको कन्वर्ट करो कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। और चेक करो जो कैंडल क्लोज करी है हाई केनेसी में, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी क्या वो कलर हरा है, तो आप देखो कि इस कैंडल का जो कलर है वो हरा आपको नहीं देखने को मिलता है बल्कि रेड बना है। तो मतलब स्टॉक को बाय नहीं करना था यहाँ पर, और एज अ रची से लेके सो नीचे गिर गया। समझ आया ना। अब बाय कब करना था, देखो यहाँ ये क्लोजिंग करी, दो हरी कैंडले सपोर्ट लिया, पंप, देखो यहाँ क्लोजिंग करी ऊपर गया, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी नीचे आया, रजिस्ट्रेशन नीचे आया, ऊपर गया, समझ गए। तो आपको स्टॉक को बाय कब करना है, जब ये स्टॉक दोबारा से क्लोज अबव दिस मूविंग एवरेज नंबर ऑफ 34। तो आपको क्या करना है, जब भी 34 मूविंग एवरेज के ऊपर पीएमसी फिनकॉर्प क्लोज करता है, करे क्लोज करे, यू कैन बाय। अब आता है क्वेश्चन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर ये स्टॉक दोबारा से 34 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे एक रेड कैंडल, तो आपका वो स्टॉप लॉस माना जाएगा। समझ आ गया, पढ़ लो दोबारा से, 34 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे, ठीक है, मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए थोड़ा क्या है क्या ये ना लिखा हुआ है, 34 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे यू कैन बाय, और स्टॉप लॉस जाएगा जब 34 मूविंग एवरेज के नीचे दोबारा क्लोज करे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। मानो कैसे, एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल अच्छा समझ आएगा। मानो देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बाय एक्टिव नहीं हुआ था, हाँ मानो हमने यहाँ स्टॉक को बाय किया, इस कैंडल ने बाय किया, इस कैंडल के हाई में 2 रुपए 55 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे मानो, चलो ठीक है। तो अब मानो स्टॉक ने क्लोज कर दिया यहाँ इस कैंडल के नीचे, तो 2 रुपए 40 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। हमने यहाँ बाय किया मात्र 15 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। और देखो 15 पैसे का अगर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया होता, ठीक है, बहुत लोगों ने शायद नहीं दिया होगा, अगर दे दिया होता तो स्टॉक देखो ऊपर गया दोबारा, रजिस्ट्रेशन लिया नीचे गिर गया। समझ आया ना, मात्र 15 पैसे के स्टॉप लॉस से हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया, स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 2 रुपए 60 पैसे से 1 रुपए 60 पैसे आ गया, मतलब हमें ऑलमोस्ट कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब हमने पैसा बचा लिया। हमने जो लॉस हम इतना बड़ा कर सकते थे, हमने छोटा लॉस काट के एग्जिट कर लिया। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ मूविंग एवरेज, पावर ऑफ माइंडसेट, पावर ऑफ स्टॉप लॉस। जो लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी घंटा स्टॉप लॉस लगाओगे सर आप, तो भाई ये है आपको रियल एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो ये स्टॉक आपका धसते चले जाएगा जमीन में, और हमें भी नहीं पता इस वक्त कहाँ जाके रुके, क्या पता दोबारा से 30 पैसे के आस पास जाके रुके, और 30 पैसे आने के बाद दोबारा से स्टॉक पंप आए और दोबारा ये स्टॉक 100 रुपए चले जाए। समझ गए, तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर चीज पॉसिबल है। यहाँ एक वाली चीज 100 रुपए होने के बाद दोबारा 10 रुपए आती है, 10 रुपए फिर दोबारा 1000 रुपए चले जाती है, इसको बोलते हैं साइकिल और रिट्रेसमेंट। समझ आया, तो ये मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करना है पीएमसी फिनकॉर्प के चार्ट में, अगर आपने पीएमसी फिनकॉर्प को बाय किया। क्वेश्चन आता है कि स्टॉक का टारगेट क्या रहेगी, दोस्तों मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने जब स्टॉक 30 पैसे ट्रेड किया करता था कि स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे वो 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में है, ठीक है। तो 3 रुपए के आसपास का टारगेट हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका, फर्स्ट टारगेट मतलब सेकंड टारगेट था, 1 रुपए का हमारा पहला टारगेट था। अब जो दूसरा टारगेट है वो थोड़ा 9 रुपए 10 रुपए के आसपास का है, जिसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। अब बाय कब करना है उसका मैंने आपको तरीका लाइव तरीका बता दिया है,
जब तक ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज ना करे, एक हरी कैंडल, स्टॉक को बाय मत करना। यही आपके लिए एडवाइस है कि पीएमसी फिनकॉर्प शेयर में। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड